क्या चीज़ है जो आपसे पहले ली जाती है उसके बाद आपको दी जाती है? आजकल वही बात आ जाती है कि आजकल सिस्टम सब धर्म भरम मिक्स ही है। और आप भी बहुत खूबसूरत है, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, ये यहाँ सब खूबसूरत है। आपका माइंड कहाँ चला गया? लड़की चाहिए आपको, भी यही है कि ना करे तो मजा नहीं आता, ना काम करता तो फिर क्या होता? फिर यही था कि चारपाई पे जाके सो जाना था। बाद में उसके सेकंड स्टेप। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फाइकली और इस वक्त एक पार्क में मौजूद हूं जहां पे मौसम बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज का प्रोग्राम करने में, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको भी पसंद आएगा। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो पहले आपसे ली जाती है एंड उसके बाद जो है वो आपको दी जाती है। सो सेकेंड क्वेश्चन आज हम लोगों से जानेंगे, लोग जो हैं वो अपने उसमें बहुत अच्छे बनते हैं, तो जानेंगे लोगों से कि अच्छे मर्द और अच्छे औरत की क्या पहचान है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम इमरान खान है जी। इमरान खान जी, इमरान खान है आप जी। आदतें भी उनके जैसी हैं जी, आदतें भी उनके जैसी हैं, तो नाम भी मेरा इमरान खान है। शादी के लिहाज से क्या कहेंगे? शादी के लिहाज को इमरान खान को अच्छा करते हैं, शादियां करते हैं। हाँ हाँ, वो उनकी च्वाइस है कि उनकी च्वाइस है कि हर साल बाद मैं नई शादी करूँ। आपको अपने बारे में क्या ख्याल है? जी मेरी ये ईद के बाद माशाल्लाह शादी है, पेशावर में मेरी बारात जानी है। और एज है आपकी? मेरी 38। 38 में शादी कर रहे हैं आप जी, ऐसा क्या हो गया? देखें इमरान खान साहब 75 साल की उम्र में 8 शादियां कर सकते हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं शादी करूं। ये पहली शादी है, दूसरी शादी है जी? पहली शादी है, पांचवी शादी है? ये मेरी तीसरी शादी है। वेल डन, वेल डन। तीसरी शादी है तो दो कहाँ है जी? दो जो शादियाँ हो चुकी हैं वो किधर है? वो दुबई में है। वो दुबई में की है आपने? यहाँ क्या काम करते हैं आप? यहाँ ये खान बाबा रेस्टोरेंट है, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा। जी। अब आपने शादी करनी है तीसरी, तो क्या वजह है, क्यों? आपको शौक है शादी का या फिर आप लड़कियों का भला करना चाह रहे हैं? नहीं भला नहीं करना चाह रहे, मैं वैसे मैं... भला नहीं करना, हाँ अपनी उसमें शादी करना चाह रहे हैं आप जी। कितने तेज हैं आप वैसे? नहीं वैसे तो मैं बहुत स्लो हूँ। आप बहुत तेज हैं, क्यों शादी कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बीवियां इजाजत देनी है आपको जी? इजाजत देनी है बिल्कुल, अल्लाह ऐसी बीवियां किसी को ना दे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और कुछ सवाल करेंगी आप जी? मैं क्यों नहीं करूंगी, सवाल करती हूँ आपसे, वो कौन सी चीज़ है जो पहले आपसे ली जाती है, पहले आपसे ली जाती है और उसके बाद आपको दी जाती है? वो जी रिश्वत है जी। हाँ ये कह सकते हैं, आजकल के ज़माने में तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन एक कॉमन सेंस का सवाल है, आप बताएं मुझे। जी जी, पहले ली जाती है और फिर दी जाती है। आपका माइंड कहाँ चला गया? जो आप देते थोड़ा सा घबरा रहा हूँ क्योंकि आप लड़की हैं। और भाई ऐसा कोई सवाल नहीं किया मैंने, आप डबल मीनिंग में बात ले गए हैं। शिट। शादी जो तीसरी कर रहे हैं वो किससे? लड़की से कर रहे होंगे, तो कहाँ की है वो लड़की? मैं पेशावर में शादी कर रहा हूँ, ईद के तीसरे दिन मेरी बारात जो सी है पेशावर जा रही है। पसंद क्या देख के आपको पसंद किया उसने जी? क्या देख के पसंद किया? उसने क्या देख के पसंद किया है? बस जी मैं खूबसूरत बहुत हूँ इसलिए। खूबसूरती मुझे 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 आपकी खूबसूरती देखनी है, मास्क जरा नीचे करें ना। अच्छा जी, ये ले। सच में अंकल आप प्यारे तो हैं वैसे। इतनी खुशी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे, और आप भी बहुत खूबसूरत है, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, ये यहाँ सब खूबसूरत है, समझ रहे हो? ठीक है चले जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ बड़ा प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। यूसुफ का मतलब होता है खूबसूरत। बिल्कुल खूबसूरत हैं। अल्लाह ने बनाया हर इंसान खूबसूरत होता है। आपको क्या लगता है? अल्लाह की मखलूक खूबसूरत होती है। आप भी खूबसूरत हैं, मैं भी खूबसूरत हूँ। नहीं आप भी खूबसूरत हैं, सच में अच्छी बात है। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ खाना खाने। खा लिए? नहीं अभी खाना। अभी खाना है? अकेले अकेले खाएंगे? नहीं वो चार बंदे, एक दो तीन चार। जी ठीक है, मुझे सवाल करती हूँ आपसे, दिमाग काम करता है? हाँ मुझे लगता करता है। चले सवाल करते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो पहले आपसे ली जाती है और उसके बाद आपको दी जाती है? मोहब्बत। आपका ख्याल है आप लड़की को मोहब्बत दोगे तो फिर आपको देगी? बात किसने की है? लड़की की बात किसने की है? शरीफ है आप? नहीं शरीफ नहीं, शरीफ मतलब लड़की की बात तो नहीं मैंने की, मैंने तो एक जनरल बताया। आप एक जनरल बात बता रहे हैं? मैंने चूजे रखे हुए हैं। सो
चूजे रखे हैं? रखे हुए, तो मैं उनको उनसे प्यार करता हूँ तो वो मुझे प्यार करते हैं। आपको प्यार करते हैं? हाँ, क्योंकि मेरे जानवर मेरे पेट्स हैं, मैं उनको खाना वगैरह पानी पिलाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं अच्छे मर्द और अच्छी औरत की क्या पहचान है? मतलब आपको कौन सी लड़की जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये शरीफ है, क्या क्वालिटी देखते हैं? यार कौन सी लड़की, उससे मतलब सिटिंग करनी पड़ती है, आप एक दफ़ा पेरेंटली तो नहीं बता सकते कि कौन शरीफ है कौन नहीं। आप जितनी लड़कियों से मिले हैं, मिले तो होंगे ना लड़कियों से, आपको क्या लगता है कि कौन सी आदत होनी चाहिए अच्छी लड़की में? सेंस होनी चाहिए कि कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। सेंस होनी चाहिए। हाँ। और इसके अलावा ये एक बड़ा मेजर है, अगर कोई किसी लड़की को सोचना आता है तो वो ओके है। और अच्छे मर्द की क्या पहचान है? सेम सेंस होनी चाहिए। खूबसूरती वगैरह कुछ मैटर नहीं करती है? मैटर क्यों नहीं करती, बाद में उसके सेकंड स्टेप। शादी के लिए आपको किसी मतलब लड़की चूज करेंगे, खूबसूरती या सीरत? दोनों अगर एक है तो क्या चूज करेंगे? नहीं, दोनों मैटर करती हैं, कोई एक पे नहीं जा सकते। खूबसूरत लड़की चाहिए आपको? ऑब्वियसली खूबसूरती भी मैटर करती है। मतलब अगर खूबसूरत लड़की नहीं मिली तो फिर? तो फिर ढूंढेंगे। ढूंढेंगे? हाँ। अच्छा, एक लड़की में सीरत है और दूसरी में खूबसूरती है, तो दोनों से कर लेंगे? नहीं, मैं फिर ऐसी ढूंढूंगा ना जिसमें सीरत भी है और खूबसूरती भी है। ढूंढेंगे, ना मिले तो कवारे मर जाएंगे। मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, 7 अरब की दुनिया है जिसमें से 4 अरब लड़कियां। क्यों नहीं मिलेगी? उम्मीद पे दुनिया कायम। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली जान शाह। रोजा रख रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, रख भी रहे हो या बस जा ही रहे हैं? रोजा तो जा ही रहे हैं। रख रहे हैं भाई। रख रहे हैं, सारे रखे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है? पक्की बात है। चलो अच्छा, दिमाग काम करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना। अगर दिमाग ना काम करता तो फिर क्या होता? फिर यही था कि चारपाई पे जाके सो जाना था। तो यहाँ क्या करने होती रात को? यहाँ काम कर रहे हैं हम तो। काम कर रहे हो, चलो सवाल करते हैं। वो क्या चीज़ है जो पहले आपसे ली जाती है उसके बाद आपको दी जाती है? सबसे पहले तो कि जो चीज़ ली जाती है फिर दी जाती है, सलाम ही है। नहीं, सलाम नहीं है, हार मान ली है। चले ठीक है। चले, मुझे अपनी कोई अच्छी और बुरी आदत बतानी है। अच्छी आदत यही है कि मेहनत करते हैं, ठीक है। बुरी आदत भी यही है कि ना करें तो मज़ा नहीं आता मेहनत। सैड तो नहीं है? नहीं नहीं, सैड क्यों, अल्लाह माफ़ करे, सैड क्यों होना है, ठीक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलें जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। रोजे कैसे जा रहे हैं? रोजे अल्हम्दुलिल्लाह रख रहा हूँ मैं, एक ही रोज़ा छोड़ा है मैंने। एक छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा है? वो इशू ब्लड दिया था, किसी डोनेट किया था, इस वजह से मैंने छोड़ा। ना दिया करे, आपको कौन देगा फिर बाद में? नहीं, सेहत को नहीं देखते इंसान का दिल में, और एक अगले बंदे की जज्बात को देखते। अगला बंदा इतना सीरियस हो तो वो अपने आप को देखो यार, वो मैं तो कमज़ोर हूँ और ना दूँ, अगला बंदा चाहे मर जाए। नहीं ऐसा नहीं, मेरा ब्लड बेसिकली मैच हो रहा था, इस वजह से मैंने उनको डोनेट किया। दिमाग काम करता है? हाँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि खूबसूरती का राज क्या? किसकी, आपकी खूबसूरती? नहीं नहीं, आपकी। अच्छा मेरी क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते? हाँ ऐसे ही, बस ऐसे ही सादा सा हूँ मैं, देसी सा। देसी सा, अपनी तारीफ, देसी 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 जी। सवाल का जवाब दें कि वो क्या चीज़ है जो आपसे पहले ली जाती है उसके बाद आपको दी जाती है? ली जाती है पहले ली जाती है फिर दी जाती है। सलाम का जवाब? नहीं सलाम नहीं। सलाम नहीं तो मुझे नहीं पता। नहीं पता। अच्छे मर्द और अच्छी औरत की पहचान क्या है? अच्छी औरत की पहचान ये है कि अगर औरत मैरिड है तो वो अपने खावन को और अपने माँ बाप को पहचान क्या है? आपको कैसे लगता है ये लड़की बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है, आजकल के दौर में तो मुश्किल है जज करना। तो मतलब आप किस तरह से लड़कियों को जज करते हैं, आपको कैसे पता चलता है यार ये बहुत शरीफ लड़की है? पहली बात तो ये है कि लड़की का जो गेटअप के लिहाज से, उसका उसकी टॉकिंग के हिसाब से कि लड़की बात कैसे कर रही है, बोलना चलना अच्छा है उसका, और बैठना उठना उसका, लिबास अच्छा है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी। और अच्छे मर्द की क्या पहचान है? अच्छे मर्द की पहचान आजकल वही बात आ जाती है कि आजकल सिस्टम सब धर्म भरम मिक्स ही है, तो मर्द की पहचान ये है कि मर्द भी उसका लहजा थोड़ा नरम होना चाहिए और इखलाक अच्छा होना चाहिए, बोल चाल अच्छा हो तो पता यार इसका लहजा बहुत अच्छा है, बोल चाल अच्छा तो बंदा अच्छा ही है, जैसी बात है जी।
जी, थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स, कैसा लगा आज का शो? आपको फीडबैक जरूर कीजिएगा। मुझे बहुत मज़ा आया। सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो पहले आपसे ली जाती है उसके बाद आपको दी जाती है, तो वो तस्वीर है जिस पे लोगों ने कहा मोहब्बत, और एक ने जवाब दिया, मैं भूल गई जवाब क्या दिया था। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।